सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना के जिला परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष ज्योति सोनी ने बिहटा के परेव स्थित अपने आवास पर पूरे बिहार वासियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि महिला के बिना पुरुष एवं समाज भी अधूरा है। आज के समय में एक दूसरे को साथ लेकर ही देश का विकास हो सकता है। वहीं आज के समय में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दहेज हत्या पर कहा कि सरकार को भी इस तरह के मामलों पर कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ जो भी गलत करे तो 100 बार सोचे। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सर्वप्रथम अमेरिका के कामकाजी महिलाओं ने 1908 में मनाया था, लेकिन उस दिन तिथि माह की घोषणा नहीं हुई थी। 1968 से 8 मार्च को महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। अच्छा, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले बिहारवासी और भारतवासी के सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है महिलाओं के लोगों के लिए, क्योंकि आज महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि आज हमारे समाज में महिला एक बहुत प्रमुख रोल अदा करती है जीवन में, क्योंकि महिला के बिना पुरुष अधूरे हैं। यहाँ एक कहावत भी कही जाती है कि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, मीन्स माँ पार्वती बिना शिव भगवान शिव भी अधूरे हैं। इसलिए अगर हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना है और समाज में कुछ कर दिखाना है, देश को आगे विकसित करना है, तो महिलाओं का सहयोग निश्चित बहुत जरूरी है, उनकी भागीदारी। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि अपनी शक्ति को पहचाने और कुछ कर गुजरने की ताकत रखें और पुरुषों के से कदम मिला के चले, ताकि हमारा देश विकसित हो और समृद्ध हो। सभी को फिर से हैप्पी वुमेंस डे। मैं मनीष कुशवाहा, बिहटा प्रखंड सचिव जदयू के तरफ से अपने क्षेत्रीय एवं पूरे बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं कामना करता हूं कि सभी लोगों को होली सही ढंग से बीते। धन्यवाद। मैं मुन्ना यादव, समाज सेवी के तरफ से समस्त बिहार वासियों को राघोपुर पंचायत वासियों की होली की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं जसवीर कुमार सिंह, वैशाली जिला क्षेत्र संख्या 35, जिला परिषद सदस्य सह वैशाली जिला दिव्यांग कल्याण संघ अध्यक्ष की ओर से प्रत्येक न्यूज एंड मीडिया वेंचर के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने जिला वासियों के साथ पूरा देश वासियों की होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रत्येक न्यूज लाइव को इनके 7वां वर्षगांठ पे इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और इनको आगे के प्रगति के ऊपर अग्रसर करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, गौतम इन्फोटेक की तरफ से आप तमाम बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पर्व को सौहार्दपूर्ण और भाईचारा के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मैं अमित कुमार गौतम, गौतम इन्फोटेक, निर्देशक।